महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य पर लगाए कई आरोप। प्राचार्य ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। पिछोर में बीते दो दिन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी छत्रसाल महाविद्यालय के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और वह कॉलेज के प्राचार्य को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि कॉलेज में कई तरह की अनियमितताएं हो रही है, फिर भी प्राचार्य द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथ ही बताया कि कॉलेज में असामाजिक तत्वों की वजह से छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं कॉलेज की छात्राओं से इस संबंध में बात की तो बताया कि कॉलेज परिसर में कैमरे लगे हैं और हमें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कॉलेज में जगह जगह कैमरे लगे हैं और बिना IC के किसी को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाता है। यदि किसी प्रकार की अनियमितताओं जैसी बात है तो मुझे बताया जाए, हम जांच करवा लेंगे। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज अनशन पर बैठा है, किन मांगों को लेके आप लोग बैठे हैं, क्या आपकी प्रमुख मांग है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 10 दिन पूर्व महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य पद पर पदस्थ डॉक्टर SS गौतम की अनियमितताओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी को SDM द्वारा हमने ज्ञापन दिया था। आज 15 दिन होने के लिए जा रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ABBP ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। इनकी अनियमितताएँ ये थी कि इन्होंने 2015 के अधिनियम के तहत खरीद फरोख्त में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिसकी जांच अभी तक प्रशासन नहीं कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं वो दोषी साबित हो रहे हैं। साथ ही इन्होंने आज दिनांक तक कभी भी मुख्यालय पर रुकने की कोशिश नहीं की। ये हिंदी संस्कृत के प्रोफेसर होने के बावजूद भी आज दिनांक तक इन्होंने क्लास नहीं ली। इनके छात्रों के प्रति इनका रवैया बहुत ही खराब है। छात्राएँ आए दिन अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं महाविद्यालय में, बाहरी लोग आके परेशान करते हैं। ABBP ने कई बार इनको सूचित भी किया है और महाविद्यालय एक शराब का अड्डा बन चुका है, जो कि युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक है। महाविद्यालय प्राचार्य भ्रष्ट, अत्यधिक भ्रष्ट में लुप्त हैं और कहीं ना कहीं बचने के लिए एक समाज को मुहैया बनाकर जातिगत माहौल खराब कर रहे हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं पर SC ST एक्ट लगवाने की धमकी भी दिलवा रहे हैं और बाहरी लोगों से गुंडागर्दी भी करवा रहे हैं। मैं आपका पूजा केवट। पूजा, आप छात्रा हैं इस महाविद्यालय की? हाँ। अच्छा, यहाँ बताया जाओ, बाहर टेंट लगा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि यहाँ छात्राएं असुरक्षित हैं और बड़ा जमावड़ा लगता है भारी लोगों का, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ऐसा कुछ नहीं है, सारी ड्यूटी मतलब टीचर वगैरह सब सबकी नज़र में है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 3 साल हमें भी पढ़ते पढ़ते हो गए हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब हुआ है यहाँ पे। अच्छा, छात्राओं को लेकर यहाँ पर कभी कोई ऐसा कोई विवाद या कोई बाहरी लोगों ने परेशान किया हो छात्राओं को? बाहरी लोगों को एंट्री नहीं है कॉलेज के अंदर, बिना ID कार्ड के यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं देते। अच्छा, तो आप इस महाविद्यालय में सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित हैं। कोई शिकायत नहीं है आप लोग? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक धरना प्रदर्शन कॉलेज के गेट पर किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी तक कोई हमको ज्ञापन नहीं दिया क्या उनकी डिमांड है और ना अनियमितता के संबंध में कोई उन्होंने जानकारी हमसे ली। सर, तो मतलब ये जो धरना पे बैठे हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह से अनियमितताएं चल रही हैं, यहाँ पर जो छात्रा हैं वो असुरक्षित हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जो है वो जूझ रहे हैं कई सालों से। किसी भी छात्रा का कोई लिखित में आवेदन नहीं आया, ना मौको किसी ने मुझसे कंप्लेंट की है और महाविद्यालय में अनुशासन समिति बनी हुई है, सब देखते हैं और IC लेकर देखकर ही प्रवेश छात्र छात्राओं को दिया जाता है, इसलिए कोई बाहरी असामाजिक तत्व का प्रवेश करने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये जो धरना जो दे रहे हैं ABBP वाले, इसमें कॉलेज के भी छात्र छात्राएं भी हैं, तो ये धरना कब तक चलेगा इनका, क्या कुछ आपसे इनकी बात हुई? ये तो वही बता सकते कब तक चलेगा, मुझसे तो कोई बात कर नहीं रहे वो। कल AD साहब ने भी फ़ोन किया था, AD साहब ने भी उनसे मांगा तो अतिरिक्त संचालक ग्वालियर को, तो उन्होंने उनको कुछ नहीं बताया कि उनकी क्या डिमांड है। उसमें व्यक्तिगत हित ज़्यादा नज़र आते हैं, कोई व्यक्ति विशेष उसको अपने हितों के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं।